Alhamdulillah, in the name of Allah, the most gracious, most merciful, O Allah, मैं तेरे हवाले अपनी ज़ात करते हुए हमारे अपने मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी अहमियत है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की स्टोरी बता रहा, और वो पाकिस्तान का है। सबसे पहले ये वीडियो मुसलमान ने नहीं बनाया, ये मैं इस बात से गवाही देता हूँ कि उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया। एक दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब आया तो उसने पीस बी अपॉन हिम नहीं बताया उसमें, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आया तो अल्लाह जिससे राज़ी हो गया, जो खातून ने जो है दीनी माँ है हमारी, उसको रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया। अब चूँकि दुनिया के अंदर इस्लाम को रोकने का जो ज़िम्मा यहूद व नसारा लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा हथियार यही है उनके पास कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शादी छोटी उम्र में किए और आप बड़ी हो गई 9 साल में, तो आपके साथ हम बिस्तर हुए, यह बताना बार बार वो चाह रहे हैं ताकि लोग इस्लाम से बदज़न हो जाए। अब इंसान रमज़ान है, रमज़ान में उसको ये है कि नफ्स के ख़िलाफ़ चलना है। पूरा महीना अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में नफ्स के ख़िलाफ़ चलना सिखाता है रोज़े के ज़रिए। सबसे पहली बात, नफ्स के ख़िलाफ़ चलना ये है कि अल्लाह को हमने नहीं देखा। अमेरिका के अंदर 16.5 घंटे का रोज़ा है, न्यूयॉर्क के अंदर मेरे ख़्याल से 1 घंटा ज़्यादा कनाडा में है शायद। तो अब ये जो 16 घंटे का रोज़ा है, इसमें भूख प्यास वो भी गर्मा में बर्दाश्त करना है, तो सवाल अपने इंसान दिल से करेगा, जहन से करेगा, अक़ल से करेगा, बोलेगा कि मैंने तो खुदा को नहीं देखा। यहाँ सबसे पहली मंजिल आपको खुदा को पहचानने की यही रखा अल्लाह कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें मेरे हुक्म मानने हैं क्योंकि मैंने दुनिया बना के तुमको निशानी दे दी। पहला नफ्स का ख़िलाफ़ है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए इसी माह में, लैलतुल क़द्र में, लैलतुल क़द्र जो है इसी माह आई, इसी माह को लैलतुल क़द्र को हमको ढूंढना है, वो हमको नज़र नहीं आती। इसका भी एक नफ्स है, नफ्स नहीं मानता लेकिन लैलतुल क़द्र ढूंढना है। फिर मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जन्नत और दोज़ख़ देख कर आए, आप हक़ है, आप सादिकुल अमीन हैं, आपने कहा कि मैंने जन्नत और दोज़ख़ देखी, आपने तो नहीं देखा एज ए खुद इंसान के बशर के, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आप सच बोलते हैं, ज़िंदगी भर सच बोला आपने, हमको मानना है। यहाँ भी एक नफ्स के तकाज़े के ख़िलाफ़ जो है आपको यकीन करना है। फिर रमज़ान आ गया, रोज़ा है, झूठ नहीं बोलना है, गलत चीज़ नहीं देखना है आँखों से, आपको जो है हराम नहीं खाना है, आपको सब्र करना है, सब्र का महीना है, आपको कुरान पढ़नी है तरावियों में, थक्के भी जो है रात में ठहरना है, आप फिर थक्के उठ के फिर जो है सहर करना है, सहर सुन्नत है, फिर आप इफ्तार के बाद जो है आप ख़याम भी नहीं कर सकते, रेस्ट भी नहीं ले सकते, आपको फिर तरावी को जाना है। सारी बातें नफ्स के ख़िलाफ़ है, ये दुश्मन इस्लाम को पॉइंट नहीं समझ में आता। इस वास्ते मैं मेरे भाइयों को, मुसलमानों को बार बार ये कह रहा हूँ, देखो अगर तुम यहूदियत, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करना है, ये 3 लफ्ज़ों में ख़त्म कर सकते हो। मैंने तुमको जिस तरह से कंप्यूटर में पूरी दुनिया की जो है तारीख मिल सकती है, उसी तरह मैंने तुमको पूरे मज़हबों के लिए एक ही निचोड़ का मैंने तारीख दे दी तुमको। अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, हवा को माँ के बिना पैदा किया, हवा अलैहिस्सलाम को इक्वालिटी यही है इस्लाम की, कोई नहीं बता सकता ये बात, औरत और मर्द दोनों बराबर हो गए, क्योंकि मर्द से नहीं, औरत से पैदा नहीं हुई,
हमारी हवाले सलाम फसली से मर्द के पैदा हुई इक्वालिटी या मिल गई। आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया, हिंदुज़म भी फिनिश, जूशिज़म भी फिनिश। मैंने बताया पैदा करने वाला अल्लाह है। इसमें मेरा नफ्स भी यही कहता कि इतनी प्यारी बातें मेरी क्यों नहीं गूंजती दुनिया में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है मुसलमानों को अमेरिका से निकाल देता बोला। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप के जो ख्यालात है, कल उसने एक मेक्सिकन जज है उसके ख़िलाफ़ भी कह दिया। उसका ख्याल अभी हिंदू ये नहीं जान सकते कि अगर हिंदू उसको वोट दे दे कल इनको भी निकाल देगा। उसको मालूम है कि हिंदू यहाँ बड़े पोस्टों पे कंप्यूटर की दुनिया में है, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, नासा में, फिर टॉप 100 के उसमें भी आपको मिलियनर बिलियनर्स मिलेंगे। वो दूसरों को पैसा वाला नहीं देखना चाहता। इससे पहले भी एक कमेंट किया था उन्हें, चाइनीज़ जो है यहाँ दुनिया पैसा कमा रहे हैं, जापानीज़ जो है रियल इस्टेट में। इस तरह से वो अगर कल आएगा तो आपको जो है एक अच्छा अमन व अमान वाला मुल्क अमेरिका नहीं देगा, पूरी दुनिया में अमन नहीं देगा। लेकिन उसकी बात गूंज गई क्योंकि वो पैसा वाला है और वो रिपब्लिकन्स की तरफ से लड़ रहा है। और आज वो जो है रिपब्लिकन्स की तरफ से आ सकता बोले सा प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया में गूंज गई। और मैं मेरे मुसलमानों को नफ्स के ख़िलाफ़ की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उम्मत की फ़िक्र की, पूरी ज़िंदगी दावत की फ़िक्र की। यानी मतलब जब से आपसे आपको नबूवत मिली 23 साल आप एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। देखो हम मुसलमान ये भी नहीं बता सकते हमारे अपने माहौल में कि ज़कात ये माह में हम देकर कई इंसानों की जो है गुर्बत को दूर करते हैं, कई इंसानों को एजुकेट बनाते हैं, कई इंसानों को हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए देते हैं, कई इंसानों को जो है तालीम आगे पढ़ने के लिए जो है मदद करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए मदद करते हैं, उनके जो है शादियों में मदद करते हैं। इसी माह में हम कई ऐसे इंसानी खिदमात करते हैं ज़कात के ज़रिए, हम मुसलमान नहीं बता सकते। हम मुसलमान को यह बताया कि 24 घंटे सिर्फ अजान गुजरी, कोई सामने नहीं आएगा। मोहम्मद अली किले अपनी जो है मरहूम इंटरव्यू में 1970s में जो बताया था कि जी 4 बिलियन इंसान हैं दुनिया में और सबसे ज़्यादा नाम दुनिया में जो लिया जाता है वो मोहम्मद है और पूरे इंसानों का नाम रखा जाता है मोहम्मद। मोहम्मद अली किले ने बताया, क्या है ये बात? मोहम्मद अली किले 50 साल पहले जो बात बताई मोहम्मद नाम है, मोहम्मद का नाम आज और बढ़ गया दुनिया में। अगर आप ईसा अलैहि सलाम के वक्त देखेंगे इंसान 1 बिलियन भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो आज दुनिया में तलवार के ज़रिए कहते हैं 8 बिलियन इंसान हैं। सोचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर से दीन खतलो गारत गिरी का रहता तो ईसा अलैहि सलाम के वक्त में इंसान सिर्फ 1 बिलियन है, क्योंकि वो उस वक्त में सबसे ज़्यादा जंगें हुई, क्रूसेडर्स जो है सबसे ज़्यादा लड़ लिए हमारे ईसा अलैहि सलाम के वक्त, ईसा अलैहि सलाम आ जाने के बाद में भी लड़ लिए। वो अपना पूरा पैगाम नहीं दे जा सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम है। अब इसमें इंसान को अपने नफ्स के खिलाफ अपने ही जो है जज्बे से अपने आप के खिलाफ चल के अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह को पाने के लिए हम लोगों तक बात रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी शख्सियत, आप मिलनसार, आप जो है किस से कैसी मोहब्बत किए, किसी से नफरत नहीं किए, किसी जगह भी जो है कोई गलत बात आपकी है ही नहीं पूरी ज़िंदगी में, ये बता सकते हैं हम। मेरे भाई दुश्मन बहुत काम कर रहा, मुसलमान 2-4 लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी गलत कर रहे हैं। ज़ाकिर नायक साहब, अगर खुदा के वास्ते तुम ये कहते कि ईसा अलैहि सलाम ने बाइबल न दी धूम मच जाती, तुम्हारे लोग वीडियो देख रहे हैं मगर तुमको बोलना नहीं आ रहा। ईसा अलैहि सलाम वो दिए ही नहीं बाइबल, बात ही ख़त्म हो जाती मगर तुमको बोलना नहीं आ रहा। मेरे मुसलमान जो है उन तक पैगाम भी नहीं पहुँचा सक रहे मेरी वीडियोज़ का। अगर तुम पहुँचा दो या तुम दुश्मन इस्लाम के जो वीडियो आ रहे हैं उनको पहुँचा दो, बात समझेंगे वो कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहि सलाम सुन रहे। पूरी मज़हब की जो है काया वो पलट जाएगी क्रिश्चियनिटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।